सर मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं कृष्णपुरी कॉलोनी करौदी का रहने वाला हूँ। सर क्या मामला था, क्या हुआ है? सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो जिसका शुरुआत से हम लोग जाँच BHU में ही करा रहे थे, MCS बिल्डिंग में। सब कुछ अभी तक रिपोर्ट सूची जैन मैम के अंदर हो रहा था, सब कुछ सही बता रही थी। कुछ भी रिपोर्ट में उन्होंने आज तक मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि इनके अंदर गड़बड़ी है, तो उनको पेन नहीं आ रहा था। तो वो फिर एक डेट आया, 15 अप्रैल का डेट दी अल्ट्रासाउंड से, उस डेट को भी पेन नहीं आया। तो फिर नया अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें 27 अप्रैल दी, तब भी पेन नहीं आया। तो वो फिर 29 को जाने के बाद वो भर्ती कर ली। भर्ती करने के पश्चात शनिवार को 29 अप्रैल को भर्ती की। उसके बाद फिर वो प्रयास की कि नॉर्मल हो जाए, ऐसा हमें बताया जा रहा था। उस दौरान अंदर मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ थी, जो कि बोल रही हैं कि उन्हें लगातार इंजेक्शन और कुछ टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा था कि उनको काफ़ी ओवरडोज हो रहा है। फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ। वो मेरे साथ सुबह आकर घूमी भी, टहली भी, सब मुझे अच्छी लग रही थी। अचानक से डॉक्टरों ने फैसला लिया कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने फैसला लिया 6 बजे तक। फिर वो ऑपरेशन करने गई, फिर आधा घंटा में शायद ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद हमें बस इतना बताया जा रहा है कुछ देर में कि इनका थोड़ा BP अनस्टेबल है, वो स्टेबल हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दिक्कत की बात है, क्रिटिकल है। ना हमसे कोई सलाह लेके ऑपरेशन किया गया कि इनका क्रिटिकल था, इनका ऑपरेशन कर देना है, मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि ये मतलब सीरियस केस है। वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका, बस इतना बोलकर ऑपरेशन किए। उसके बाद फिर अचानक से हम जब अंदर जा रहे हैं कि क्या परेशानी है, वो कुछ नहीं, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग बाहर जाइए, सब कुछ हम लोग समझते हैं। लेकिन सर हमारी चिंता बहुत ज़्यादा थी उस समय, और उस दौरान अब उन लोग कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अचानक से बोल रहे हैं पल्स रेट लो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और फिर CPR किए, फिर वो मृत्यु घोषित कर दिए। जिनके अंडर में ये मैं साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को, इस बात पे गौर करिए कि मैडम कोई सीनियर मैडम नहीं थी, उनकी स्टूडेंट्स लोग थी, वो भी फ़ोन पे सलाह ले लेकर बात कर करके कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही मांगता हूँ, कंप्लीट इग्नोरेंस था सर। अभी लोग मुझे बोल रहे हैं ये दिक्कत था, वो दिक्कत था, तो उस समय क्यों नहीं बताई ये दिक्कत था, आपकी पेशेंट सीरियस है, तब तो हमें इग्नोरेंस कंप्लीट दिखा उनका। और एक तो मेरे मामा हैं, खड़े हैं साथ में, हम लोग गए उस वार्ड में, ICU वार्ड में, वो IPL बैठ के देख रहे थे, कह रहे हैं तो आप लोग बाहर जाइए, और वो IPL बैठ के देख रहे हैं। मेरी वाइफ वहाँ बेड पे पड़ी हुई थी, 2 घंटे से बॉडी रखी हुई है वहाँ पे, अभी तक यहाँ पर मेमो नहीं आया। अभी आप चंदा थाने पर क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग मैं अपना वो परेशानी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कितना बड़ा घटना घट गया, जिससे मेरा निजी लॉस हुआ है सर, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कोई तहरीर आपने दिया है क्या? तहरीर हमने हाँ लंका थाने पे हमने रिपोर्ट लिखवाया। सर हम यही मांग करते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा घटना हो गया है, प्लीज़ आगे से लोगों को ये कहा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए इसके लिए, ये सब बोलिए कि प्लीज़ हाँ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए सर, क्योंकि देखिए हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है, अब हम इस अपने लॉस को नहीं झेल पा रहे हैं सर, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ सर इसके लिए कुछ कर सकते तो करिए सर।